आज की इस वीडियो में हम अकाउंट्स वॉचर के बारे में बताएंगे। अकाउंट्स वॉचर, वॉचर टाइप्स, वॉचर ट्रांजैक्शन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विवरण का एक पूरा रिकॉर्ड है। सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन कैश या नॉन कैश जनरल में दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि तरह तरह कार्यों के लिए बेहतर और विभाजन के लिए ट्रांजैक्शन को कई वॉचर टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न प्रकार के वॉचर ट्रांजैक्शन के अनुसार रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। वॉचर एंट्री स्क्रीन, वॉचर एंट्री स्क्रीन के लिए गेटवे ऑफ टैली से वॉचर सेलेक्ट करें। राइट साइड में तरह तरह अकाउंट वॉचर टाइप के लिए बटन शामिल है। F4 से लेकर F10 तक संबंधित वॉचर प्रकार के लिए वॉचर एंट्री स्क्रीन पाने के लिए संबंधित बटन पर क्लिक करें। वॉचर एंट्री मोड, टैली में दो मोड में वाउचर एंट्री किया जा सकता है। H चेंज मोड बटन क्लिक कर सिंगल एंट्री मोड में एंट्री के लिए सिंगल एंट्री और अकाउंट इनवॉइस सेलेक्ट करें। इसमें डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं रहता, इसलिए नॉन अकाउंटेंट्स यह एंट्री मोड ज़्यादा पसंद करते हैं। डबल एंट्री मोड में एंट्री के लिए डबल एंट्री या एज वाउचर सिलेक्ट करें। डबल एंट्री मोड में डेबिट क्रेडिट कॉलम में अमाउंट एंट्री होता है। अकाउंटेंट्स यह एंट्री मोड ज़्यादा पसंद करते हैं। हम यहाँ डबल एंट्री मोड एक्सप्लेन करेंगे ताकि एंट्री प्रोसेस के साथ साथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन वॉचर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। काम की सुविधा के लिए और अकाउंट्स अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करने के लिए टैली में कई तरह के वॉचर उपयोग किए जाते हैं। हम यहाँ डबल एंट्री मोड समझाएंगे। इसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट एंट्री होता है। हर वॉचर डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए। टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुकशॉप्स में उपलब्ध। वीडियो आगे देखते रहें। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ वॉचर एंट्री स्क्रीन के बारे में बताएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ वॉचर एंट्री स्क्रीन, टैली में सभी प्रकार के अकाउंट्स वॉचर फॉर्मेट है। वॉचर हेडर, वॉचर नंबर, टैली वॉचर नंबर ऑटो जनरेट कर लेता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर एक वॉचर टाइप के लिए। वॉचर डेट, करेंट डेट वॉचर डेट में कैरीड हो जाता है। अपने अनुसार डेट चेंज करने के लिए F2 बटन प्रेस करें। वॉचर लेजर अकाउंट डिटेल्स, लेजर साइन फर्स्ट कॉलम में डेबिट क्रेडिट वॉचर टाइप के अनुसार रहता है। लेजर अकाउंट पार्टिकुलर फील्ड में लेजर पॉपअप लिस्ट से लेजर अकाउंट सेलेक्ट करें या नया लेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए Alt+C प्रेस करें। लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट लेजर साइन के अनुसार अमाउंट एंटर करें। वॉचर नरेशन ट्रांजैक्शन की गई वॉचर एंट्री का नरेशन डिस्क्राइब करें। सेविंग द वॉचर, वॉचर एंट्री सेव करने के लिए एंटर प्रेस करें। एक्सेप्ट यस और नो शो होगा। सेव करने के लिए वाई टाइप करें या कोई एंट्री में डाटा चेंज करने के लिए या कोई करेक्शन करने के लिए एन टाइप करें। बिना सेव किए वॉचर एंट्री को क्लोज करने के लिए स्क्रीन पे Ctrl+Q प्रेस करें या विदाउट कंफर्मेशन स्क्रीन सेव करने के लिए Ctrl+A प्रेस करें। वॉचर एंट्री के सेव होने के बाद एक ब्लैंक वॉचर एंट्री स्क्रीन अपेयर हो जाता है। कंटिन्यू करने के लिए दूसरी एंट्री ट्रांजैक्शन करें या स्क्रीन क्लोज करने के लिए स्किप बटन प्रेस करें। वॉचर के हेडर में वॉचर नंबर और वॉचर डेट एंट्री होता है। लेजर डिटेल सेक्शन में हर लेजर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट अमाउंट एंट्री होता है। वॉचर के अंत में पूरे वॉचर का नरेशन एंटर किया जाता है। वॉचर एंट्री के दौरान नॉन एग्जिस्टिंग लेजर यानी जो अकाउंट क्रिएट नहीं है उसको भी Alt+C प्रेस कर क्रिएट कर सकते हैं। टैली में
अकाउंट्स वाउचर के फॉर्मेट सभी वाउचर टाइप के लिए एक ही तरह का है। सबसे ऊपर पार्ट में वाउचर नंबर, वाउचर डेट और डे ऑफ वीक एंट्री होता है। ऑटोमेटिक वाउचर नंबर स्कीम में वाउचर नंबर अपने आप सीरियली जनरेट होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में डेबिट क्रेडिट साइन, अकाउंट नेम, डेबिट या क्रेडिट कॉलम में अमाउंट एंट्री होता है। एक वाउचर में कम से कम एक डेबिट और एक क्रेडिट एंट्री होगी, दो से ज़्यादा एंट्री भी हो सकती है। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट बराबर होंगे। वाउचर के अंत में वाउचर नरेशन एंट्री होते हैं, फिर एक्सेप्ट यस नो में यस टाइप कर वाउचर सेव होते हैं। एक वाउचर एंट्री के बाद उसी टाइप का अगला वाउचर एंट्री के लिए ब्लैंक वाउचर फॉर्म मिलता है। दूसरा टाइप के वाउचर एंट्री के लिए उस वाउचर टाइप का बटन क्लिक करें और वाउचर एंट्री करें। वाउचर एंट्री टर्मिनेट करने के लिए ब्लैंक वाउचर एंट्री स्क्रीन में एस्केप प्रेस करें और क्विट यस नो पर यस टाइप कर फिर गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में लौट आए। आप टैली जानते हैं? घर बैठे टैली में काम कर इनकम करना चाहते हैं? स्क्रीन में दिया हुआ ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल करें, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे।